तो कैसे हो दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रियलमी ब्लैक फ्राइडे सेल के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इससे पहले बात करेंगे, देखो इंडिया में रियलमी काफ़ी फ़ोन लॉन्च करती है और यहाँ पर देखो रियलमी के लगभग एक दो महीने से शायद फ़ोन भी नहीं कोई लॉन्च किया है यहाँ पर इंडिया में। और तो यहाँ पर इससे पहले बात करें कि रियलमी की 9 सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है, शायद दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाए या फिर 2022 के पहले महीने में। तो कर लेते हैं यहाँ पर रियलमी ब्लैक फ्राइडे सेल के बारे में। तो यहाँ पर ये 26 से 30 नवंबर के बीच में है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इस सेल का। तो यहाँ पर देखो रियलमी के काफ़ी कम प्राइस पर मोबाइल मिल जाएंगे, यहाँ पर गेमिंग फ़ोन हो या फिर नॉर्मली यूज़ के लिए कोई भी बैटरी बैकअप फ़ोन हो। तो साथ ही में देखो यहाँ पर रियलमी 8i जो कि मिल रहा है 12,999 रुपये में, तो काफ़ी बढ़िया और कम प्राइस में सुपर डील के साथ यहाँ पर फ़ोन ले सकते हो। साथ ही में रियलमी पैड और इसके स्मार्ट टीवी भी रियलमी के, तो जाके नोटिफाई कर सकते हो। और ये इसकी सेल डेट है 26 से 30 नवंबर। रेडमी नोट 11T 5G दो को यहाँ पर दोस्तों अमेजन पर इसका काफ़ी दिन से ऐड भी चल रहा है रेडमी नोट 11T का 5G। तो यहाँ पर देखो इंडिया में काफ़ी लोग इसको बहुत जल्दी आना चाहते थे कि ये तो रेडमी सीरीज ले आई है इंडिया में रेडमी नोट 11T 5G नेक्स्ट जनरेशन नेशन। तो ये लॉन्च इवेंट होने वाला है 30 नवंबर को। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं डुअल 5G सिम इंटीग्रेटेड 5G मॉडम गेट सेट गो जो मास्टर प्रोसेसर विद 6nm आर्किटेक्चर स्पीडी चार्जिंग 33W की प्रो फास्ट चार्जिंग होने वाली है स्विफ्ट डिस्प्ले विद 90Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ रैम बूस्टर शार्प कैमरा लाइटिंग लुक्स। तो यहाँ पर दोस्तों लॉन्च इवेंट होने वाला है इसका 30 नवंबर को, तो काफ़ी ज़्यादा इस फ़ोन को लेकर एक्साइटेड है इंडिया में। तो बहुत जल्दी आपको बाकी डिटेल इसकी पता चल जाएंगी और रेडमी नोट 11T 5G फ़ोन की। तो दोस्तों नेक्स्ट सीरीज में बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 7 के बारे में। तो दोस्तों ये चाइना में फ़ोन लॉन्च हो चुके हैं, ओप्पो रेनो 7 प्रो दोनों 5G फ़ोन होने वाले हैं। तो देखो ये लुक होने वाली है, चाइना में लॉन्च हो गए हैं, तो न्यू कलर्स OS बार अपडेट के साथ काफ़ी बढ़िया होने वाला है ये फ़ोन। साथ ही में सोनी बर्ड प्रीमियर सुपर सेंसिटिव, तो देखो काफ़ी बढ़िया होने वाले हैं। और इंडिया में भी देखो पता नहीं अभी कब तक आएंगे ये दोनों फ़ोन, तो काफ़ी बढ़िया इन दोनों की कलर और दोनों के फीचर्स कैमरा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मैंने होने वाले हैं ओप्पो रेनो 7 प्रो। तो यहाँ पर देखो ओप्पो रेनो 7 प्रो की ये लुक होने वाली है, 5G फ़ोन होने वाले हैं, तो काफ़ी बढ़िया देखो लुक होने वाली है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो दोनों में काफ़ी अच्छे फीचर्स हो जाएंगे ओप्पो रेनो 7 सीरीज के दोनों फ़ोन ओप्पो रेनो 7 प्रो चाइना में लॉन्च हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो।